बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी बड़ी कहानी लेकर आई हूं। यह कहानी हमारे देश के शहीदों के प्रति हमारी एक श्रद्धांजलि है। आप सभी जानते हो कि आए दिन सीमाओं पर हमारे कितने ही जवानों को, अफसरों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, तब हमारा देश स्वतंत्र है और हम सब स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं। तो आज एक ऐसी कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके मन में अपने शहीदों के प्रति श्रद्धा का भाव भी जगाएगी, सम्मान भी जगाएगी और हमें उनके प्रति अपने कर्तव्यों की याद भी दिलाएगी। तो आज की कहानी का नाम है दीपक बिन दिवाली। कार्तिक मास की अमावस्या आज कुछ अधिक ही काली लग रही थी। यद्यपि सब उसे प्रकाशवान बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन अंधेरा था कि वह और घना और डरावना होता जा रहा था। कमरे का बंद दरवाजा और बंद खिड़कियां भी बाहर के शोर को रोकने में नाकामयाब हो रही थी। पटाखों की कान फोड़ू आवाज, बच्चों का शोर, लाउडस्पीकर की तेज आवाज, सबने ऐसा माहौल बना दिया था कि लगता था कि अभी सिर फट जाएगा और सारा मस्तिष्क गिजाइयों के ढेर की तरह बिखर जाएगा। कीड़ों की कुलबुलाहट जैसा एहसास ही तो नेहा को हो रहा था। वह इसलिए तो बंद कमरे के घुप अंधेरे में चुपचाप पड़ी थी। मन मस्तिष्क जैसे संज्ञा शून्य हो गए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे उबारे वह अपने आप को, कैसे सामना करे इस संसार का, क्या करें क्या ना करें, सब कुछ गड्ढ गड्ढ होता जा रहा है। चिंतन के मंथन से भी कुछ हासिल नहीं हो रहा। सच तो यह है कि चिंतन बेफिक्र मन और मस्तिष्क से ही हो सकता है। जहां मन में हजारों तूफान एक साथ उठ खड़े हों, वहां चिंतन कैसा। वहां तो विभिन्न समस्याएं ही विकराल रूप धारण कर सामने खड़ी हो जाती हैं। चिंतक इन समस्याओं की भयावहता से कंपित हो उठता है। नेहा गहन अंधकार में भी आंखें बंद कर लेती है। कैसी है ये वक्त की मार, पलवल में क्या से क्या हो जाता है। कल तक नेहा का इन परिस्थितियों से वास्ता न था। वे सब उसे दुखद कहानी की तरह वास्तविक न लगती थी। उसका जीवन तो खुशियों, उमंगों, उल्लासों से भरा था। गत मार्च में ही तो उसका विवाह हुआ था। कितने ही रंगीन सपने लेकर वह पिया के घर आई थी। उसने उन सपनों को साकार होते देखा था। सब कुछ इतना सुखद और सुंदर था कि उसे विश्वास ही न होता था। घूमने का उसे बेहद शौक था। पति जब आर्मी अफसर मिला तो वे स्थान भी देखने का सौभाग्य मिला जिसकी उसने कल्पना भी न की थी। उसके पति कप्तान अजय रजौरी में पोस्टेड थे। नया साथी, नया परिवेश, सब का बेशुमार प्यार, वह धन्य हो गई। पति को जब नेहा को लाने की इजाजत मिली तो वह गदगद हो उठा। नेहा के लिए फौजी माहौल बिल्कुल नया था। नेहा को इनके तौर तरीके, इनका काम, सभी कुछ सबसे अलग और सुंदर लगता। वह आश्चर्य से इनकी अनोखी दुनिया को देखती रह जाती। रजौरी की हरी भरी वादियों ने, हिम आच्छादित पर्वतों ने उसे मोह लिया। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र को मिनी कश्मीर कहा जाता है। यहाँ की सुगंधित शीतल हवा मदहोश किए रहती है। वह घूमने और नई नई योजनाएं बनाने में मस्त रहती। उसे याद है वह स्थान जो उसे बहुत अच्छा लगा। वह था पीर भद्रेश्वर। यह स्थान जम्मू रजौरी मार्ग पर लगभग रजौरी से 10 किलोमीटर पहले पश्चिम की ओर पड़ता है। पाकिस्तान की सीमा से लगा यह रमणीक स्थान है जो धार्मिक भावना से ही नहीं, संस्कृति से भी ओतप्रोत है।
अजय ने कितनी श्रद्धा से पीर भद्रेश्वर का मंदिर दिखाया था। मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप विशालकाय पुराना पीपल का वृक्ष है। इस पर हजारों की संख्या में घंटे घंटियां लटक रहे हैं। एक छोटी सी घंटी के हिलते ही या जरा सी हवा चलने से मधुर संगीत की लहरें उठने लगती हैं। आगंतुक मंत्र मुग्ध सा खड़ा रह जाता है। उसने अजय से पूछा, इसे पीर भद्रेश्वर क्यों कहते हैं? बड़ी ही सुंदर बात है, इस प्राचीन मंदिर की खोज एक मुसलमान पीर ने की थी। वही यहाँ पूजा किया करते थे। मुसलमान होकर वह पूजा करते थे? नेहा की आंखें विस्मय से फैल गईं। हाँ, हर सच्चा भक्त ईश्वर का एक ही रूप देखता है। अल्लाह कहो या परमेश्वर कहो, सब एक ही बात है। उस पीर की मृत्यु के बाद हिंदुओं ने उनकी मजार भी वहीं बनवा दिया और वह वीर भद्रेश्वर का मंदिर पीर भद्रेश्वर बन गया। नेहा नतमस्तक हो गई थी इस बात पर। क्या बात है हमारी संस्कृति की, हमारे लोगों की। गर्वान्वित हो उठी थी वह। मंदिर के बाहर चारों ओर लगी घंटियों ने मधुर ध्वन से उसका समर्थन किया। अजय ने बताया कि पास के व्यू पॉइंट से अफसर और जवान इस सीमा की दिन रात रखवाली करते हैं। रात में भी? हाँ, रात में भी। हमारे पास कुछ ऐसे यंत्र हैं जो रात में भी दिखा सकते हैं, रंगीन नहीं, वस्तु का छाया चित्र। क्या कहते हैं उसे? नाइट विजन डिवाइस। इससे आकार देखा जा सकता है, पहचाना नहीं जा सकता। इसका फायदा उठाकर कभी कभी दुश्मन जानवर की तरह इस खाई को पार करने का प्रयत्न करते हैं। हमने कई ऐसे घुसपैठियों को मारा है। जब इनकी दर्द भरी चीख वादियों में गूंजती है, तब जानवर इंसान का पता लग ही जाता है। कितना हंसी थी नेहा उनकी अजीबो गरीब हरकतों पर। वहाँ के वंकर के रख रखाव पर उसे गर्व हो आया था। कैसी पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र, कितनी मुश्किलें, कितनी कठिन ड्यूटी, लेकिन हर जवान हर अफसर ऐसे लगता जैसे सब कुछ बहुत सहज हो। वे जंगल में मंगल रचा सकते हैं। कड़कड़ाती ठंड, दूर दूर तक फैले घने जंगल, साए साए करती हवा, दिन रात गोलियों की आवाजें उनके लिए साधारण सी बात थी। मुश्किल है तो सिर्फ अपनों का बिछो, अपनों का दर्द। माता पिता का बिछो ही तो है जो इस दीपावली आते ही घर की ओर खींचने लगता है। बहुत मुश्किल से उसे एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी। वह नेहा के साथ पहली बार दीपावली मनाने घर आ गया था। कितना हंगामा मचाया था। कॉलोनी के सारे बच्चों को इकट्ठा करके पटाखे चलाए थे, मोमबत्ती और दियों से सारा घर जगमगा दिए थे। बड़े बूढ़ों को मिठाइयाँ खिलाईं, बच्चों में बांटी। सबने इस दीपावली को यादगार बना दिया। अजय और नेहा ने लक्ष्मी गणेश की पूजा के बाद जब माँ पापा के चरण स्पर्श किए तो भावातिरेक से आंखों में आंसू आ गए थे। अजय ने हंसते हुए कहा था, ना माँ ना, मैं खुशी के आंसू भी आपकी आंखों में नहीं देख सकता। आपने बहुत कष्ट उठाए हैं हमारे लिए। अब हम आपको सदैव हंसते मुस्कुराते ही देखना चाहते हैं। नेहा से मुखाते हुए उसने कहा था, नेहा यह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी धर्म है, कर्तव्य है कि इनकी आंखों में आंसू ना आए, ये सदैव मुस्कुराते रहें। अंधेरे में भी नेहा को अजय की आंखें दिखाई दी जो उसे कुछ याद दिला रही थी। उठ खड़ी हुई नेहा, धीरे से दरवाजा खोला। सारा घर अंधेरे में डूबा था। अजय के माता पिता अपने कमरे में उदास बैठे थे। अजय की स्मृतियों ने और नेहा के भविष्य की चिंता ने उन्हें मूक कठपुतली बना दिया था। वे एक दूसरे का सामना करने से कतराते थे। कौन क्या बोले समझ नहीं पाते थे। उन्हें देखकर लगता था जैसे अजय के साथ ही इनकी वाणी, इनकी खुशी, इनका उल्लास सब कुछ चला गया हो। माँ पापा चलो, दोनों आश्चर्य से उसे देखकर खड़े हो गए। शहीद कप्तान अजय शर्मा के घर में दीपावली के दिन अंधेरा रहे यह शोभा नहीं देता, भर्राए गले से नेहा ने कहा। मेरे कुल दीपक बिन क्या दीपावली, माँ ने सिसकी ली। नेहा ने एक हाथ से माँ को सहारा दिया, पापा को छड़ी पकड़ाई और घर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी।
दरवाजा खोला तो हतप्रभ खड़ी रह गई। दरवाजे के बाहर कॉलोनी के लोग हाथों में जलती मोमबत्ती लिए डबडबाई आंखों से और मुस्कुराते होठों से निशब्द खड़े थे। कारगिल युद्ध की विभीषिका उनके सामने घूम रही थी। किस तरह पाकिस्तान ने यह युद्ध अपनी नापाक इरादों से छेड़ दिया था। हजारों सैनिकों ने अपना बलिदान दिया, दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी। वे सब इस कामना के साथ कि कारगिल में अपने पराक्रम से महावीर चक्र पाने वाले शहीद कप्तान अजय शर्मा के घर में कभी अंधेरा न रहे। ऐसा होना शहीद के बलिदान का अपमान है। उसके शौर्य और लोगों के स्नेह की दीप्ति से सदैव ही उनका घर जगमगाता रहे। उनके सहयोग से अजय के माँ पापा की छलछलाती आंखों में सैकड़ों ज्योति झिलमिलाने लगी। पिघलती मोमबत्ती की कांपती लौ सी नेहा दोनों को सहारा दिए खड़ी थी। मैं एक विशेष बात कहना चाहूंगी, शहीदों के प्रति श्रद्धा का भाव हम सबके मन में हमेशा होना चाहिए। उनके परिवार के प्रति भी अपना कर्तव्य निभाना हमें भूलना नहीं चाहिए। उनके बलिदान से ही हम स्वतंत्र हवा में सांस ले रहे हैं। शहीदों के परिवारों की सहायता करना हम सभी का कर्तव्य है। बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी और इससे प्राप्त शिक्षा, मुझे ज़रूर बताइएगा।